بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. सबसे पहले हम हमारे इस प्रोग्राम में दूर दराज से हमारे आने वाले मेहमानों का खैर मकदम करते हैं, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। एक अहम मौजू पर मुनाकिद किए जाने वाले इस प्रोग्राम में हमारी दावत पर आप हजरात सफ़र की सहूबतों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप हजरात को मुत्तले किया गया कि ये एक मुख्तसर सा प्रोग्राम है मगर इंतहाई हसास और अहम मौजू पर, और वो है नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 निफाज असरात और हमारी जिम्मेदारियां। कि नई तालीमी पॉलिसी जो है इसके क्या असरात हमारे तालीमी निज़ाम पर मुरतब हो सकते हैं। हमने ख़ास तौर पर हमारे दराजात कुतुब के असातिज़ा को और कॉलेज के टीचरों को इसमें मदऊ किया है, इसलिए कि मुसलमान ये जहाँ कहीं भी रहे जैसे भी हालात में हो वो बेदार मगज़ होना चाहिए, उसे अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारना ये मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता है। दरअसल ये कौमी तालीमी पॉलिसी इसको जिस तरह से पार्लियामेंट में मंजूर किया गया उन तमाम चीज़ों को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि इस तालीमी पॉलिसी पर हमें पहले ही बेदार होना चाहिए और हमारे तालीम से मुतालिक जो अफराद है वो अफराद गवर्नमेंट के आँख से आँख मिलाकर इसमें जो चीज़ें ऐसी हैं जिससे इस मुल्क में बसने वाले अकलियत के ऊपर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं उन चीज़ों से उन्हें वाकिफ करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। और ये कहना है कि इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह भी किया गया हुकूमत को, मगर चूंकि एक मखसूस ज़हनियत के साथ ये हुकूमत काम कर रही है लिहाजा उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। तो अब चूंकि हमारे सामने उसके निफाज का मसला है लिहाजा उसके इस निफाज के सूरत में अब हम मजबूर हैं कि इस पॉलिसी कि जो भी मुस्बत या मनफी असरात हैं उन तमाम के तमाम असरात के सामने साथ ये हमारे ऊपर नाफिज की जाएगी। अब जब ये नाफिज की जाएगी तो इसके क्या असरात हम पर मुरतब हो सकते हैं, इन चीज़ों को ख़ास तौर पर जानने के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है जिसमें हमने मालेगांव से जनाब शकील अंसारी साहब को ख़ास तौर पर मदऊ किया है। जनाब शकील अंसारी साहब ये वैसे तो मालेगांव के इंग्लिश ज़बान को सिखाने में एक्सपर्ट हैं और काफ़ी तवील तजर्बा रखते हैं, मगर आपने तालीमी पॉलिसी पर गहराई के साथ मुताला किया और मुताला करने के बाद उसके क्या असरात हमारे निज़ाम पर मुरतब होंगे उस पर आपने रोशनी डाली और उस पर कुछ मवाद तैयार किया। शाहदा में एक प्रोग्राम हुआ था, हमारे शाहदा के जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं हाशमानी साहब वगैरह उनके और उनके रुफका ने
तो वहाँ पर मुझे भी बुलाया गया था। मैं जब वहाँ गया और मैंने नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में पहले भी कुछ पढ़ रखा था और भी कुछ सुनने को मिला, तो मेरे जहन में आया कि ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए और इस सिलसिले में हमें अपने असातिज़ा और अपने टीचर, अपने प्रोफेसर हजरात को भी इससे वाकिफ़ करना चाहिए। तो हमने उनको दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम मोहम्मद अंसारी साहब, आप भी मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल तो हम प्रोग्राम को, चूँकि वक्त हमारे पास कम है और प्रोग्राम से जल्दी हमें फारिग होना है, तो इसको मज़ीद अपनी बात को तूल न देते हुए मैं अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ करने का, वैसे आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक से हो चुका है, अब मैं मेहमानों की गुलपोशी की जो रस्म की जाती है उसके बाद फौरन इंशाल्लाह मोहतरम शकील अंसारी साहब हमारे सामने अपना मकाला पेश करेंगे और आप हजरात उसे आपके पास जो कागजात दिए जा रहे हैं उसमें नोट भी कर सकते हैं और उस पर आपके जहन में क्या तजवीज़ आ रही है। इसलिए कि ये तालीमी पॉलिसी दर हकीकत हमारे मौजूदा और आइंदा नस्लों के जहन, उनके अकीदे और उनकी फ़िक्र पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो सकती है। इस वजह से हमें इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के मेन स्पीकर मोहतरम शकील अंसारी साहब, जामिया इंतज़ाम जामिया असातिज़ा जामिया की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ और उन्हें अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। और मैं रफीक जागीरदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनकी खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करें। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम मोहम्मद अंसारी साहब। मैं हमारे फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप की खिदमत में गुलपोशी, आप शाल और गुलदस्ता पेश करें।